Good morning, everyone. Today our topic is food intolerance. Food intolerance का मैं आपको हिंदी में बहुत बता देता हूँ क्या होता है. फूड इंटोलरेंस मीन्स खाने जो हम खाना खाते हैं वो खाना कभी कभार हम लोग ढंग से या प्रॉपर जो है तरीके से नहीं खा पाते हैं, जिससे ये फूड इंटोलरेंस कहते हैं. फूड इंटोलरेंस एक असहनीय है, हिंदी में इसको बोलते हैं असहनीय भोजन या फूड. जो हम जैसे हमने सपोज करो हमने खाने में हमने एक दाल या चपाती हमने खाई है, उसके बाद में हमने दूध पी लिया, उसके बाद में हमने दही खा लिया, या उसके बाद में हमने कुछ भी और दूसरी चीज़ें मतलब ककड़ी वगैरह खा ली, फिर हमने दूध पी लिया. तो जैसे हमको क्या खाना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, उसके बाद में हमको किस समय में क्या कैसे और कब खाना चाहिए वो हमको बताना चाहिए. अगर हम उनको प्रॉपर ढंग से हमको पता नहीं होगा और हम उल्टा सीधा कुछ खा सकते हैं तो ये फूड इंटोलरेंस का रूप ले लेता है. फूड इंटोलरेंस मैं आपको बताता हूँ फूड इंटोलरेंस का क्या पूरा विस्तार से. फूड इंटोलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी. ये एक ऐसी एलर्जी है जो खाने से या अधिक खाने से या उल्टा सीधा हमको खाने से हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है. ओके, सेकेंड जो है सिंपल वर्ड में, इन सिंपल वर्ड फूड इंटोलरेंस means the induced elements of certain food that can't be properly processed and absorbed by our digesting system. जो भी खाते हैं उल्टा सीधा जो भी खाते हैं, जो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो हमारा जो हम जो खाए हुए हैं वो डाइजेशन नहीं होगा, और जो भी हम लोगों ने खाया जिसके लिए खाया है वो वर्क नहीं करेगा और वो उल्टा रिएक्शन करेगा उस चीज़ के लिए. तो ये फूड इंटोलरेंस का जो है वो एक कंटेंट जो है सर्टेन कंटेंट वो अपना किया जाएगा. इसमें होने वाले जो है सिम्टम्स जो है वो है इसमें कैसे मतलब हमको पता लगेगा कि ये क्या क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है. जैसे ओवरलोड खाने से या कुछ खाने से ज़्यादा स्टोमच प्रॉब्लम, स्टोमच जो पैन है वो हमारा होने जाएगा, एक गैसेटिक जो है गैसेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, और डायरिया जो है एक प्रॉब्लम जो है डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी या हेडेक होगा या हार्ट बर्न होगा. कभी कभार हम जो ऐसे ज़्यादा जो है मिर्ची वाली चीज़ें खा लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे हमको हार्ट बर्न होता है, जिससे हमको बार बार वो चीज़ें डकार के रूप में आती है या हमारा जो प्रॉपर है जो डाइजेस्ट सिस्टम को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ को. तो ये प्रॉब्लम कॉमनली हम देखा जाता है कि हम हर व्यक्ति में या हर पर्सन में ये प्रॉब्लम हो जाती है जब वो तरीके से सिस्टम वाइज हमारा जो है फूड चेन को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं या टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम खाना भोजन नहीं करते हैं. हमारा हमने शेड्यूल बनाया था हमको कि हमारा जो है लंच है हम 2 बजे खाते हैं या 2 से 3 के बीच में खाते हैं, तो हमने वो खाना 2-3 बजे नहीं खाया, हमने 5 बजे खाया और हमने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया, तो हमने जिस समय खाया तो हमने पूरा पेट भर खा लिया, तो क्या होगा ये प्रॉब्लम फूड इंटोलरेंस प्रॉब्लम्स आ जाएगी. ओके, सिंपल वर्ड में आपने समझ जाओगा. और ये जो फूड इंटोलरेंस है ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड के अंदर जो है क्वेश्चन आता है कॉमन है, किसी भी बात नहीं इसको करना है. ओके, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड मैथ. फूड मैथ देर आर वेरियस फूड मैथ विच आर प्रिवेलिंग नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. What to eat, when to eat, how to open to eat are such a questions which usually confuse most of the Hindus. The food myth ऐसा जो है word है ये जिसके अंदर ये हमको confuse होता है कि हमको कब किस समय और कैसे क्या खाना चाहिए. ओके, जैसे अपन ने पहले जो पॉइंट पढ़ा था अपन ने
फूड इंटॉलरेंस वैसे ही वैसे ही फूड माइथ में भी यही होता है कि हमको किस समय क्या, किस समय में क्या चीज़ खानी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत बड़ी अपने इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि हमको क्या किस समय में कैसे क्या और कब क्या खाना चाहिए। ओके, तो इसमें जो प्रॉब्लम जो हम हमको बताया गया चौकी के अंदर कि फर्स्ट जो है पोटैटोज मेक यू फेट, पोटैटोज जो है हमारे बॉडी के अंदर फेट बनाने का काम करता है। तो हमको किस लिमिट के अंदर हमको ये पोटैटोज खाना चाहिए जिससे हमारा फेट ना तो बर्न हो ना ओवर हो, तो जो हमारा लेवल है वो इक्वल रहे, या हमको जो प्रॉपर जो कैलोरीज कैलोरीज जो रिक्वायर होती है रिक्वायरमेंट होती है वो हमको प्रॉपर मिल जाए। ओके, तो एक शेड्यूल होना चाहिए खाने का कि हमको किस समय कितना लिमिट में खाना चाहिए। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। फैट फ्री प्रोडक्ट जो है हमको यूज करने चाहिए जिससे हम हमारा वेट ओवर वेट के अंदर कैटेगरी में ना जाए और वो लूजिंग वेट या लिमिट वेट या एवरेज वेट के अंदर हमारा जो है चले। तो ये है खाने के अंदर हमको ये चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा वेट और कोई भी प्रॉब्लम ना आए या कोई भी डिजीज हमारे ऊपर क्रिएट ना हो। थर्ड पॉइंट है एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। एक जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करता है। हम कंटिन्यूटी अगर हम एक जो डेली हम यूज़ करेंगे खाने में तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो हमारे हार्ट से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर ये हमारा जो ब्लड का जो है सर्कुलेशन वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। फोर्थ है डोंट टेक मिल्क इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। फिश खाने के तुरंत बाद ही हमको मिल्क नहीं या दूध नहीं पीना चाहिए। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो वोमिटिंग हो जाएगा, एक एलर्जी का जो है वो एक ऐसा जो है पॉइंट वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये है जब भी हम फिश ईट करते हैं तो हमको मिल्क नहीं पीना चाहिए इमिडिएटली। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम इनका फोकस होना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो जो भी फेट वाली चीज़ें हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम जो है हमारा प्रॉब्लम करता है, तो ऐसा चीज़ें हमको खाना नहीं चाहिए और लिमिट में खाना चाहिए। स्पाइसी चीज़ें भी या फाइबर्स वाली चीज़ें भी या जो फेट बढ़ाने वाली भी, तो इनका एक लिमिट होना चाहिए और हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए कि कैसे कब और कैसे किस तरीके से हमको ये खाने में यूज़ करना चाहिए और ये प्रोडक्ट ये जो हम यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट का हमको पता होना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट कहाँ कर रहे हैं बॉडी के अंदर, किस पार्ट में कर रहे हैं और इनका जो है बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक था फूड वेस्ट चैप्टर 2 का, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद में हम लोग जो हैं क्वेश्चंस आंसर करेंगे। ओके, तो एक बार जो भी मैंने आपको जो वीडियोस भेजे हैं उनको आप वापस फिर से रिवाइज कर लेना पॉइंट टू पॉइंट। ये जो चैप्टर है पूरा हमारा फिनिश हो गया है, इसके बाद में हम लोग इसमें से हम क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे जो अपन ने पॉइंट टू पॉइंट पढ़े हैं। और इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स MCQ करेक्ट द ट्रू फॉल्स वगैरह सब हम लोग इसमें करेंगे। ओके, तो आप लोग रेडी रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, आज इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।